नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज़। दबंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष सप्रे। आइए अब नज़र डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों की ओर। प्रदेश सरकार के प्रयासों के चलते विदिशा जिले के दर्जनों बच्चे जो कोटा राजस्थान में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे। शासन के प्रयास के बाद 32 बच्चों को विदिशा जिले में आज वापस लाया गया। बस के साथ पुलिस कर्मियों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। वहीं कई जगह पर बस को सैनिटाइज भी किया गया। लोग विदिशा से ग्वालियर गए थे, ग्वालियर से बस लेकर के कोटा बच्चों को लेने गए थे और वहाँ से कल से कोटा से चले और बच्चों को लेकर के और रास्ते में छोड़ते हुए ला करके आज यहाँ आए हुए। नहीं, रास्ते में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। सब विद्यार्थी लाए गए कोटा से विदिशा, कुल 32 लोग थे। कहाँ कहाँ उतारे हैं? ये सरोज, मेलुआ चौरा और तुम्हारा अम्बानगर और तुम्हारा नया गोला और बाद के 13 बच्चे इधर कोटा में जो बच्चे हमारे पढ़ने गए थे और काफ़ी हमारे पूरे शहर के लोग चिंतित थे, सारा प्रशासन चिंतित था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन बच्चों को कोटा से आज यहाँ विदिशा भिजवाया है। मैं सभी अभिभावकों की ओर से और विदिशा शहर की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वास्तव में उन्होंने जिस संवेदनशीलता का परिचय दिया है, आज हमारे विदिशा शहर के वो परिवार जो अपने बच्चों को लेकर, जिगर के टुकड़ों को लेकर जो चिंतित थे और जो भय व्याप्त था उनके परिवार, परिजनों के अलावा उनके संबंधित सभी परिवारों में, आज वो दूर हुआ है। मैं सभी बच्चों का वो स्वागत करता हूं और इन बच्चों का सारा मेडिकल चेकअप करने के बाद इनको अपने परिवारों में सबको भेजा जाएगा। नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। बस में एकदम सोशल आइसोलेशन से दूर दूर बैठे थे और अच्छे से हो गया सब। तो आपको यहाँ तक लाने वाला कौन है बता? हमको यहाँ तक लाने वाले गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया है। वहाँ से एलएन ने भी बहुत हेल्प की थी, शिवराज सिंह चौहान जी ने भी बहुत हेल्प की है। तो आप कहना चाहेंगे? हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि हमको वहाँ से यहाँ तक लेके आए सेफली।